हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्पीसीज, एडॉप्टेशन, कॉमोफ्लेगिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट के रहने की जगह को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। एंड आपने पढ़ा था कि एक गुड हैबिटेट जो होता है वो एनिमल या प्लांट को बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है। बेटर कंडीशन मींस अच्छा रहने की जगह, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें, ब्रीड करने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो उनकी सारी ज़रूरतें पूरा करता है। आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा कि जब एनिमल्स को या प्लांट्स को, प्लांट्स तो नहीं माइग्रेट कर पाते हैं लेकिन एनिमल्स में माइग्रेशन होता है, जब उनके हैबिटेट में उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो वो उस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। तो यहाँ पे तो बस हमने हैबिटेट ही देखा है लेकिन माइग्रेशन भी आप जान लीजिए कि जब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में उस एनिमल को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, खाने की चीज़ें कम पड़ गई, पानी कम पड़ गया, तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है माइग्रेशन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट, पेज नंबर 111 आप लोग ओपन रखिएगा और देखिए। द टू मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ आर, अर्थ पर, हमारा प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पे दो मुख्य हैबिटेट्स हैं दो टाइप के, एक तो है एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट और दूसरा है टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट, ठीक है। आप कहोगे आप डेजर्ट हैबिटेट होता है मैम, हिल पहाड़ों पर जो होता है वो हैबिटेट होता है, तो वो सारा बेटा आपके टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा एंड एक्वेटिक वाला एक्वेटिक में आ जाएगा। तो मेन कितने टाइप के हैबिटेट्स हैं? दो टाइप के हैबिटेट्स हैं। द फर्स्ट वन इज एक्वेटिक हैबिटेट एंड द सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल को ही लैंड हैबिटेट कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, अब जो वाटर में रहेंगे तो उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स तो कह ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके हैबिटेट को हम क्या कहेंगे, वाटर हैबिटेट या एक्वेटिक हैबिटेट। जलीय जीव कहते हैं ना, जलीय पौधे। एक्वेटिक हैबिटेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मेन तो दो तरह के आपने पहले पढ़ लिए, एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब देख रहे हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट्स जो होते हैं ये भी बेटा दो टाइप से होते हैं, एक तो मैरीन वाटर हैबिटेट एंड सेकेंड है फ्रेश वाटर हैबिटेट। मैरीन वाटर हैबिटेट मतलब जो खारा पानी होता है, समुद्र में रहने वाले पौधे और समुद्र में रहने वाले जानवर जो होंगे उनको कहा जाएगा मैरीन हैबिटेट, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर यानी कि जो तालाब होता है, जो नदी होती है, जो कुआं होता है, जहाँ का पानी खारा नहीं होता है, नमकीन पानी जहाँ का नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट। तो अलग होता है ना, समुद्र में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु अलग होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में नॉर्मल जगह पे जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह से आपको अगर करना हो तो आप कैसे पढ़ोगे, मेन दो तरह के हैबिटेट, फिर मेन के बाद एक्वेटिक जो है आपका एक्वेटिक दो में बट गया, एक आपका मैरीन वाटर, दूसरा आपका फ्रेश वाटर, ठीक है। तो दो तरह से ये आगे डिवाइड हो गया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे मैरीन वाटर हैबिटेट। अब मैरीन वाटर हैबिटेट कैसा होता है? द ओशंस कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, हम सबको पता है कि जो ओशन यानी कि समुद्र यानी कि सागर, अर्थ का 3/4, ठीक है, 3/4 हिस्सा जो है उसने पानी ने ही कवर कर रखा है, समुद्र ने कवर कर रखा है। दे कंटेन साल्टी और मरीन वाटर, और जो समुद्र होता है उसका पानी खारा होता है, नमक वाला होता है, ठीक है। द ओशंस हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देम, ओशंस में या समुद्रों में बहुत ही वेराइटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े डॉल्फिन और वेल्स, सील, ये सब कहाँ होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नॉर्मल भी, बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स समुद्र में पाए जाते हैं। तो अब पॉइंट करके पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। The bodies of the animals like fish living in the marine environment are streamlined. सबसे पहली बात हमने देखा था, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी वाटर में रहने वाले एनिमल होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, streamlined. Streamlined मतलब बोट से बॉडी होती है जिससे वो पानी को हटा हटा करके मूवमेंट कर सकें।
दूसरी बात है दैट इज द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी इज नैरो, इसका मतलब होता है कि शरीर के आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट पतला होता है और बीच वाला पार्ट मोटा होता है, स्ट्रीमलाइन मतलब यही होता है। वाइल द मिडिल पोर्शन इज ब्रॉडर, ठीक है, बीच वाला पोर्शन चौड़ा है, आगे पीछे पतला है। दिस बॉडी शेप हेल्प्स टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई वाटर एंड हेल्प्स टू कट थ्रू वाटर एंड स्विम फास्ट। अब आपने देखा होगा जहाजें भी तो ऐसी बनी होती है, नाव भी तो ऐसे ही बनी रहती है कि आगे पीछे पतला है बीच में मोटा है, तो पानी को जल्दी जल्दी हटाएगा जो हल्का वाला पार्ट है, फिर एकाएक जो मोटा वाला पार्ट है वो जाके धक्का देगा, ठीक है। इस तरह से वो जल्दी जल्दी तैर सकती हैं, वाटर में जल्दी जल्दी चल सकती हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। दे ऑल्सो हैव फिन्स ऑन देयर बॉडी विच हेल्प देम मूव एंड चेंज देयर डायरेक्शन। इसके अलावा उनके बॉडी पे फिन्स होते हैं, फिन्स मतलब आप समझ लो जैसे बर्ड्स में पंख होते हैं ना, ऐसे ही फिशेज की बॉडी पे फिन्स होते हैं जो कि उन्हें पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। इन एडिशन द बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स एंड म्यूकस देयर बाई मेकिंग इट वाटर प्रूफ। इसके अलावा उनकी बॉडी पे म्यूकस होता है, लसलसी चीज कुछ होती है, ठीक है, चिपचिपा टाइप का चीज होता है जिससे उनकी बॉडी सड़ने नहीं पाती है, क्योंकि पानी में रहेंगे अगर वो कंटिन्यूअस तो बॉडी सड़ जानी चाहिए ना, क्योंकि एनिमल है खा पी तो रहे हैं। अब बॉडी के ऊपर क्या है, एक लसलसा पदार्थ है जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, म्यूकस कह सकते हैं, म्यूकस। या इसके अलावा देखते हैं कुछ मछलियों में, गांव में कहा जाता है चोइटा, ऊपर स्केल है निकलता है ना, स्केल स्केल मछली की बॉडी जब भी आप देखते हो तो नॉर्मल मछलियों के बॉडी पे ऐसे स्केल होता है, फिर साइड साइड में फिन होता है ना, तो ये स्केल पाया जाएगा या तो म्यूकस पाया जाएगा। कुछ मछलियां जो समुद्र में होती हैं उनका शरीर चिकना होता है सांप जैसा, तो चिकना होने का मतलब स्केल एब्सेंट है, तो उसकी जगह पे पाया जाएगा म्यूकस। ये म्यूकस या स्केल क्यों होता है, जिससे उनकी बॉडी सड़े नहीं, पानी में वाटर प्रूफ होता है, वाटर का असर नहीं बॉडी पे पड़ता है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट एनिमल्स लिविंग इन ओशंस ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। बहुत सारे एनिमल्स जो कि रह रहे हैं ओशंस में, सागरों में, महासागरों में, वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, गलफड़ों के थ्रू सांस ले रहे हैं। फिश ऑल्सो हैव एयर ब्लेडर्स टू हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। इसके अलावा फिश के पास एयर ब्लेडर होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जानवर जो पानी में पाए जा रहे हैं समुद्र वाले, उनके पास गलफड़े हैं, गिल्स से वो सांस ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ के पास क्या पाया जा रहा है, एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर हवा का सैक होता है, ऐसे हम कह सकते हैं गुब्बारे की तरह एयर ब्लेडर पाया जाता है कुछ जानवरों में, कुछ मछलियों में, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, सांस को ले सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं। आगे देखेंगे एयर ब्लेडर्स टू हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। इसके अलावा ये जो एयर ब्लेडर्स होते हैं इनका काम पानी में तैरने में भी हेल्प होता है, मतलब हल्के हल्के होंगे ना, उनमें हवा भर जाएगी तो फ्लोट करने में भी मदद करेंगे, जैसे गुब्बारा होता है। फिश विदाउट एयर ब्लेडर्स लाइक सार्क नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इसके अलावा कुछ मछलियों में एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता, तो आप एक बात पॉइंट आउट करके रख लो या लिख के रख लो कि जो मरीन वाटर की फिशेज होती हैं, जो समुद्री पानी की मछलियाँ होती हैं, उनके बॉडी में ब्रीदिंग के लिए ज़्यादा ज़्यादा एयर सैक पाया जाता है, ठीक है, एयर ब्लेडर पाया जाता है, और ये एयर ब्लेडर उनकी ब्रीदिंग के अलावा, सांस लेने के अलावा, उनको तैरने में भी मदद करती है। एक समुद्री मछली है जो सार्क है, उसके अंदर एयर ब्लेडर नहीं होता, और अगर एयर ब्लेडर नहीं है तो तैर पाएगी नहीं, इसीलिए वो क्या करती है, कॉन्टिन्यूस तैरती रहती है, हमेशा तैरती रहती है, रुकती नहीं है, क्योंकि रुकेगी तो क्या होगा, डूब जाएगी। तो सार्क मछली जो है उसके अंदर एयर ब्लेडर नहीं होता है, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूस क्या करती है, तैरती रहती है, चलती रहती है, जिससे कि वह डूबने ना पाए, क्योंकि आपको पता है कि एयर ब्लेडर हेल्प्स टू स्विम इन फिशेस, एयर ब्लेडर जो होता है मछलियों को तैरने में हेल्प करता है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सम एनिमल्स इन द ओशंस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। इसके अलावा कुछ एनिमल जो ओशन में होते हैं, सागरों में, महासागरों में, समुद्र में, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं है, ऐसे नहीं है आगे पतली पीछे पतली बीच में चौड़ी। अब क्या होगा, तो अब हमको कुछ और भी एडॉप्टेशन देखने को मिलेगा, क्या है देखो, दे अवॉइड स्विमिंग एंड लिव क्लोज टू द बॉटम ऑफ द ओशन। ध्यान से सुनना, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है तो वो तैरते नहीं है, क्योंकि तैरना है तो बॉडी स्ट्रीमलाइंड होना जरूरी है, नहीं तैरेंगे तभी काम चल सकता है ना, नहीं तो डूब नहीं जाएंगे। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है वो तैरते नहीं है, वो एकदम नीचे वाले सतह पे रहते हैं, बॉटम ऑफ सी, ठीक है, सी के कहाँ रहते हैं बेटा, बॉटम में रहते हैं, तली पे रहते हैं।
दे वेट फॉर द प्री एंड कैच इट व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स देम, और वो शिकार के मतलब कह सकते शिकार के ताक में रहते हैं, शिकार का इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही नीचे की तरफ कोई शिकार आया उसको वो तुरंत खा जाते हैं और उसी से उनका जीवन चलता रहता है। स्क्वेड्स एंड ऑक्टोपसेस आर एग्जाम्पल ऑफ बॉटम ड्वेलर्स। अब आप देख सकते हैं स्क्वेड्स जो होता है या ऑक्टोपस तो आपने देखा ही होगा, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है ना, सर्कुलर टाइप की होती है, ऐसे आठ आर्म्स होते हैं उसके पास। तो ये जो है बॉटम ड्वेलर है बेटा, नीचे बैठा रहता है शिकार की देख में, जैसे कोई शिकार आता है उसको मार के खा जाते हैं ये लोग। तो कुछ ये एनिमल्स हैं, आगे देखते हैं। सम एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट, सम एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स डू नॉट ब्रीथ थ्रू गिल्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन है या व्हेल है तो वो गलफड़े से नहीं सांस लेती। आपने देखा था सारी मछलियाँ जो होती हैं वो गलफड़े से सांस लेती हैं, लेकिन जो आपकी कह सकते हैं कि सार्क है, सार्क को भी लिख लीजिएगा, सार्क, डॉल्फिन एंड ये व्हेल, ये सब बेटा गलफड़े से सांस नहीं लेती हैं। दे कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर फॉर टाइम टू ब्रीद इन एयर। इन लोगों के पास क्या होता है, ये लोग आती हैं टाइम टाइम पे सांस लेने के लिए, किनारे पे आ जाती हैं, पानी से बाहर आ जाती हैं और सांस लेके जाती हैं। लंग फिशेस कहा जाता है इसी नाते इनको, ठीक है। दे ब्रीद थ्रू द नॉस्ट्रिल्स ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन देयर हेड्स। इनके हेड के पास में, मुंह के पास में नॉस्ट्रिल पाया जाता है, नाक जैसा, नोज जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे वो लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दे कैन रिमेन इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। इसके अलावा इनके अंदर कैपेसिटी भी है, कैसी कैपेसिटी है कि ये वाटर के अंदर बहुत दिनों तक रह सकते हैं बिना पानी, सॉरी बिना ब्रीद किए, बिना सांस लिए बहुत दिन तक रह सकते हैं। तो आपने मैरीन हैबिटेट देख लिया है बेटा, क्या होगा कि कुछ एनिमल्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, कुछ की स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं भी हो सकती है। जिनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी नहीं होगी वो नीचे रहेंगे शिकार के इंतजार में, जब शिकार मिलता है तो उनको वे खा जाते हैं। कुछ एनिमल्स के पास गिल्स होंगे, गिल्स से वो सांस लेंगे। कुछ के पास क्या होता है, ज़्यादातर जो मछलियां हैं उनके पास एयर ब्लेडर होता है, समुद्री मछलियों में एयर ब्लेडर होता है जो कि उनको तैरने में मदद करता है। जो सार्क है उसके पास एयर ब्लेडर नहीं होता है, इसीलिए वो कंटिन्यूस तैरती रहती है। कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जो गिल्स से सांस नहीं ले रही हैं, जैसे डॉल्फिन, व्हेल, सार्क, ये सब क्या होती हैं, टाइम टाइम से पानी के बाहर आ जाएंगी, सांस लेके जाएंगी। इनके मुंह के पास क्या होगा, नॉस्ट्रिल होगा, नॉस्ट्रिल के हेल्प से ये लोग सांस ले लेती हैं। तो इस तरह से आपने एक्वेटिक हैबिटेट में पहला फिनिश किया मैरीन हैबिटेट, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पॉइंट आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर तो आपके आसपास होता है, आप देख सकते हो, आप समुद्र तो नहीं देख सकते हो लेकिन फ्रेश वाटर आराम से देख सकते हो, वहाँ पे पाए जाने वाले पौधे और वहाँ के जानवरों को आपने देखा भी होगा। फ्रॉग्स लिव नियर वाटर बॉडीज बिकॉज दे नीड टू रिटर्न टू द वाटर टू ले देयर एग्स। मेढक जो है, मेढक को आपने एम्फीबियन कहा है, बहुत सारे लोग मेढक को एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि एम्फी मीन्स होता है बेटा बोथ एंड बियंस मीन्स सर्वाइव करने वाला। एम्फीबियन शब्द का मतलब होता है जो कि दो जगह पे सर्वाइव करे, वाटर भी चाहिए लैंड भी चाहिए। लैंड पे तो वो चलता रहेगा लेकिन उसे अंडे देने के लिए हमेशा हमेशा पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रॉग जो है वो लैंड पे रहता है लेकिन टाइम टू टाइम उसे वाटर में भी जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो एग ले करेगा तो वाटर में ही ले करेगा, अंडे देगा। दे बिगिन देयर लाइव्स एज टिनी एग्स लेड इन क्लस्टर इन वाटर। अब मेढक का जीवन कैसे शुरू होता है देख लीजिए, मेढक की जो लाइफ शुरू होती है पहले क्लस्टर ऑफ एग्स, ग्रुप ऑफ एग, ऐसे कह सकते हैं कि अंडों का गुच्छा एक तरह से, ग्रुप ऑफ एग रहता है, ले किया रहता है वाटर सरफेस पे, और वहीं पे क्या होगा, वहीं से उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। एग से क्या होगा, टैडपोल निकलेगा, फिर उनकी स्टेज होती है ना, कुछ लाइफ स्टेजेज होती हैं, लार्वा, टैडपोल एंड सो ऑन, फिर एडल्ट बनता है। तो इस तरह से जो फ्रॉग की लाइफ है वो ग्रुप ऑफ हम कह सकते हैं एग से स्टार्ट होती है। द एग्स हैच इनटू टैडपोल, एग जो होगा वो टैडपोल में हैच आउट करेगा। एग किस में हैच आउट करेगा, टैडपोल में हैच आउट करेगा। दैट स्विम इन फ्रेश वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब जो टैडपोल होता है फ्रॉग का, हमेशा याद रखिएगा वो मछली की तरह होता है, कैसा होता है, मछली की तरह लंबा सा होता है और वो जाएगा दौड़ के पानी में, गलफड़े के थ्रू पहले सांस लेगा,
ठीक है, जो मछली कह सकते हैं जो मेंढक का बेबी होगा, टैडपोल होगा, पहला स्टेज जो होगा उसके लाइफ का, वो भी गलफड़े से सांस लेता है। एज द टैडपोल ग्रोज, जैसे जैसे टैडपोल बड़ा होता है, एंड लॉजेज इट्स टेल टू बिकम अ फ्रॉग। अब क्या था, टैडपोल था तो पूंछ पाई जा रही थी ना उसके पास, तो जैसे जैसे टैडपोल ग्रो हो रहा है तो उसकी पूंछ क्या होगी बेटा, ख़त्म हो जाएगी। टैडपोल स्टेज की जो टेल थी वो ख़त्म होगी और वो क्या बन जाएगा, मेंढक बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा। When the tadpole changes into a frog, जब ये tadpole frog में change हो जाएगा, it starts to breathe through the lungs and starts living on land. और ये कैसे सांस लेने लगेगा, फेफड़े से, लंग से सांस लेने लगेगा। क्या समझे आप लोग, कि मेंढक की लाइफ cluster of eggs से स्टार्ट होती है। जैसे कोई मेंढक है, पानी में जाके अंडे दे दिया है, पानी के अंडों से क्या होगी, उनकी लाइफ स्टार्ट होगी। एग से क्या बना, tadpole बना। टैडपोल से क्या होगा, टैडपोल गिल से सांस लेता है, गलफड़ों से सांस लेता है, उसके पास पूंछ होती है और धीरे धीरे उसकी पूंछ ख़त्म हो जाएगी, वो फ्रॉग में चेंज हो जाएगा और फेफड़े से सांस लेने लगेगा, लंग से सांस लेगा और लंग जैसे ही उनके अंदर डेवलप होता है वो मेंढक बन जाएगा, लैंड पे भाग आएगा, ठीक है, ज़मीन पर चला आता है। तो इसी नाते क्या कहते हैं इसको हम, सच एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अंडरलाइन दिस, ऐसे एनिमल्स जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फी वर्ड का मतलब बोथ एंड बियन मतलब रहने वाले, ठीक है। तो इस तरह से आपने एम्फीबियंस के बारे में भी देख लिया, फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है। अब कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे आपने मरीन वाटर में देखा था ऐसे ही फ्रेश वाटर के भी कुछ करेक्टर्स को हमको पढ़ लेना है। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग पावरफुल जंपिंग लेग्स, जो मेंढक होता है उसके पास बड़े बड़े और मजबूत पैर होते हैं जिससे वो फुदकता रहता है, कूदता रहता है। दिस हेल्प देम टू मूव एंड आल्सो कैच देयर प्री, देयर हाइंड लेग्स आर बेब्ड। तो इनके पैर चूँकि मजबूत हैं, बड़े बड़े हैं, तो इससे क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है कूदने में और शिकार को पकड़ने में, है ना। और जब शिकार को पकड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, उनके जो पिछले पैरों का स्ट्रक्चर होता है, हाइंड लेग्स, पिछले पैर जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वेब्ड होते हैं, जालवत होते हैं, ठीक है, जाल जैसा पैर होगा। आगे देखेंगे, प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनको जलीय पौधे कहेंगे या हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट वर्ड कहीं आएगा तो समझ लीजिएगा क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। रूट्स आर यूज फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एक्वेटिक प्लांट्स या अभी तक जितने भी प्लांट्स आपने पढ़े हैं तो उनमें आपने देखा है कि पौधों की रूट्स जो होती हैं वो इस टाइप की होती हैं कि वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करें और प्लांट के सारे पार्ट को सेंड कर दें, ऐसे ही तो होती हैं स्ट्रक्चर। तो इस तरह के रूट्स पाए जाएंगे ऐसे पौधों में। साथ ही साथ आगे देखते हैं, टू एंकर द प्लांट, इसके साथ ही साथ रूट्स जो होती हैं वो पौधे को मजबूती से पकड़े भी रहती हैं। पकड़े रहने का क्या मतलब है, एंकर मतलब पौधे को सपोर्ट देना। तो एक्वेटिक प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो मिनरल और वाटर को सारे पौधों को भेजेंगी, सारे पार्ट्स को भेजेंगी पौधे के, साथ ही साथ पौधे को मजबूती देंगी, पकड़े रहती हैं, जमीन से जोड़े रहती हैं उनको। एयर फिल्ड कैविटीज आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट दैट हेल्प देम टू फ्लोट। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स की जो स्टेम और लीव्स होती हैं वो एयर फिल्ड होती हैं। एयर फिल्ड मतलब फूली हुई, आपने जलकुंभी का पौधा देखा होगा, आपने कमल का पौधा देखा होगा, लोटस, ठीक है। तो उन सारे प्लांट्स की अगर आप पत्तियों को देखेंगे तो मोटी मोटी पत्तियाँ होती हैं और स्टेम भी जो होते हैं फूले हुए होते हैं, जिससे पौधे आसानी से तैर सकते हैं, ठीक है, जो हल्के पौधे होते हैं। अब आप कहोगे किनारे पे तो कुछ हमको मजबूत पौधे भी दिखते हैं, कुछ घासें भी दिखती हैं, तो वो बेटा अलग बात है, ठीक है। स्पेशली जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे उनके लीव्स और स्टेम कैसे होंगे, थोड़ा सा फूले हुए होंगे जिससे उसमें हवा भरा रहे और वो तैरती रहें। आगे बढ़ेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फुली सबमर्ज्ड प्लांट्स, अंडरलाइन दिस, फुली सबमर्ज्ड प्लांट्स जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए पौधे होते हैं। पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका आधा पार्ट पानी में रहता है, आधा पार्ट ऊपर रहता है। फ्लोटिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में तैरते रहते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स को तीन ग्रुप में बांट दिया गया, फुली सबमर्ज्ड प्लांट्स, पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड फ्लोटिंग
प्लांट्स. इन फुली सबमर्ज प्लांट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर प्रेजेंट अंडर वाटर. द लीव्स आर नैरो एंड लॉन्ग हेल्पिंग द प्लांट्स टू रेजिस्ट वाटर करेंट्स एंड नॉट टू गेट डैमेज्ड. अब जो फुली सबमर्ज प्लांट होता है पूरी तरह से डूबा हुआ पौधा होता है, तो इस टाइप के पौधे में प्लांट का पूरा पार्ट पानी के अंदर होगा. पौधे की जो पत्तियाँ होंगी वो नैरो होंगी, लॉन्ग होंगी यानी कि पतली होंगी और लंबी लंबी होती हैं. नैरो मीन्स आप समझ सकते हैं इस तरह से पतली पतली लंबी लंबी, ठीक है. और हेल्पिंग द प्लांट्स टू रेजिस्ट वाटर करेंट्स एंड नॉट टू गेट डैमेज्ड. और ऐसी पत्तियाँ इसलिए होती हैं पौधे में जिससे कि वो वाटर करेंट को सह सके. लंबी लंबी है तो पानी की धारा बहेगी तो ज़्यादा वो डैमेज नहीं होगा और पौधा ख़राब नहीं होने पाएगा. एन एग्जाम्पल ऑफ द काइंड ऑफ प्लांट इज टेप ग्रास. यहाँ पे देख लीजिए जो टेप ग्रास होता है, आप लोग कभी नहीं गाँव से बिलोंग करते हैं तभी कभी एग्जाम्पल में देखिएगा, प्रैक्टिकल वगैरह मिलेगा. तो पानी के अंदर कुछ लंबे लंबे पौधे होते हैं, ठीक है, लंबी लंबी पत्तियां होती हैं उसकी, उसको क्या कहा जाता है, टेप ग्रास कहा जाता है. और ये फुली सबमर्ज्ड पौधा है, आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, फिगर भी है इसका. सेकंड टाइम टाइप पढ़ेंगे पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट्स. लाइक वाटर लिली द स्टेम्स आर रूटेड इन द सॉयल ऑन द बेड ऑफ द वाटर बॉडीज बट द लीव्स ऑफ एंड फ्लावर्स आर सीन फ्लोटिंग ऑन द टॉप ऑफ वाटर. अब पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट जो होते हैं उनमें पौधों की पत्तियां जो होंगी, फ्लावर होंगे, वो हमको ऊपर ऊपर दिखते हैं, ठीक है. लेकिन जो प्लांट्स का स्टेम होता है बेटा वो रूटेड होता है, मिट्टी में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है. और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट. और ये पौधे ऊपर ऊपर तैरते भी रहते हैं. द लीव्स आर फ्लैट एंड लार्ज इन साइज. ऐसे पौधों की पत्तियाँ चपटी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. दे आर कवर्ड विथ अ बैक्सी कोटिंग टू मेक देम वाटर प्रूफ एंड हैव स्टोमेटा एयर स्पेसेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन देयर अपर सर्फेस. ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, ऐसे पेड़ों की पत्तियाँ, जैसे मछलियों में आपने देखा था कि बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ करने के लिए कुछ पाया जा रहा था, तो ऐसे पेड़ों की पत्तियाँ जो पार्शियली सबमर्ज्ड होती हैं इनमें भी बेटा बैक्सी कोटिंग होता है, बैक्स जैसा कुछ ऊपर ऊपर पाया जाएगा जिससे प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो वाटर प्रूफ हो जाएंगी. और साथ ही साथ इनके अपर सर्फेस पे स्टोमेटा पाया जाता है जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो. अब आप कहोगे नॉर्मल पौधों में तो लोअर सर्फेस पे होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में क्यों अपर सर्फेस पे है, क्योंकि लोअर सर्फेस तो उनका पानी से जुड़ा हुआ होगा ना. अपर सर्फेस पे स्टोमेटा इसलिए है जिससे ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाए. थर्ड पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स. अब जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर मीन्स पूरा पार्ट उनका ऊपर होगा. ऑन द सर्फेस ऑफ देयर रूट्स हैंगिंग सबमर्ज इन द वाटर. अब ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स भी ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ पौधों के जड़ें भी ऊपर ऊपर होती हैं, जलकुंभी जैसे मैंने नाम दिया, वाटर हाइसेंथ कहा जाता है इसको, ठीक है. देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड राउंड एंड फॉर्म ब्रांचेज ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. इनकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं. फ्लोटिंग लीव्स आर जनरली टफ बिकॉज दे हैव द विथ स्टैंड एंड द वेदर एंड वाटर मूवमेंट. पत्तियाँ जो होती हैं बड़ी मजबूत होती हैं और आप अगर उनको तोड़ के देखोगे ना तो ऐसा चरचराहट टाइप की आवाज़ होती है, बहुत ही कह सकते हैं लचीली टाइप की होती हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए प्लांट इज वाटर लेट्यूस. वाटर लेट्यूस जो है उसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हो. तो इस तरह से हमने एक्वेटिक हैबिटेट पहला ख़त्म कर दिया है. हैबिटेट का टाइप हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक्वेटिक हैबिटेट स्टार्ट किया था, मरीन हैबिटेट और फ्रेश वाटर हैबिटेट. फ्रेश वाटर हैबिटेट में हमने स्पेशली मेढक के बारे में पढ़ा है और प्लांट्स के बारे में पढ़ा है. प्लांट्स में तीन टाइप्स, फुली सबमर्ज्ड प्लांट, टेप ग्रास, पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट, वाटर लिली, लोटस एंड कह सकते हैं फ्लोटिंग प्लांट जो है हमारा वाटर लेट्यूस, वाटर हाइसेंथ, जलकुंभी, ठीक है. अब आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इतना रिवाइज करिएगा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका लास्ट होगा, आई होप चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए. थैंक यू.